हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज आपके सामने मैं एक छोटा सा पाउच लेके आई हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है और एकदम डिजाइन है। तो हम अपने छोटे छोटे पीसों से भी बहुत सुंदर डिजाइन बना सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं आपके सामने इन छोटे छोटे टुकड़ों का ही डिजाइन लेके आई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पट्टी बनाई हुई है आज, जिसमें मैंने दो शेड के कपड़े जॉइंट किए हुए हैं। तो ये देखिए, ये मैंने 1.5 इंच की पट्टियाँ ली थी जिससे हमने ये अपने ऐसे जॉइंट करके इसको डिज़ाइन के रूप में तैयार कर दिया है। और मैंने ये देखिए, ये मेरी पेस्टिंग है जो मैंने दो ली हैं, और दो पेस्टिंग ये है, ये मेरी 2 इंच की इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 12.5 इंच है। ये 1 इंच की पट्टी है और 12.5 इंच की इसकी लंबाई है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ये जो पेस्टिंग के जो मैंने जो ये गोल कट किया है, तो ऐसे एक छोटा सा बाउल ले लीजिए जिसको इस तरीके से रखिए और गोल शेप में कट कर लीजिए। तो ये देखिए, मेरा ये गोल शेप में मैंने ये दो कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डिज़ाइन के साथ साथ हम कुछ पुराने पीस भी इसमें जॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ये बच जाते हैं कट पीस वगैरह, तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये मैंने दो, क्योंकि अंदर लगेगा फ्रेंड्स तो बाहर का डिज़ाइन तो सुंदर दिखेगा ही, और अंदर का भी हमारा कपड़ा अंदर जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, तो ये हो गया। और ये वाला डिज़ाइन मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये मैंने ट्रायंगल शेप में ये पीस लिया है और इसी से ही हमने ये 6 पीस कट किए हैं और 6 पीस आपस में जॉइंट कर दिए है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना नहीं आता, तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने ये डिज़ाइन आप बनाना सिखाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स, अब हम इसको पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे, जैसा कि हमने इसमें ये मार्जिन छोड़ा हुआ है ऐसा ही हम इसमें कट कर लेंगे। तो और हाँ, जैसे मैंने ये पेस्टिंग चिपका ली है, ऐसे ही हम इसमें भी चिपका लेंगे। तो पहले मैं पेस्टिंग चिपका लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको आराम से दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें जो जो सामान चाहिएगा वो हमने सब ले लिया है। तो ये देखिए, ये मैंने पेस्टिंग चिपका ली है और सेम इसी के नाप का हमने एक और पीस ले लिया है, ये इस तरीके से। तो ये दो हमारे पीस हो गए, और अब पेस्टिंग चिपकाते वक्त आधा आधा इंच दोनों तरफ मार्जिन छोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, ताकि हम उसमें हम सिलाई लगा सकें। तो ये देखिए, एक जो ये पट्टी मेरी, ये भी मैंने कर लिया है और इसमें मार्जिन भी छोड़ा हुआ है, और ऐसे ही हमने एक और पीस कट कर लिया है। तो ये इसके लिए हो गया फ्रेंड्स। एक हमने जिप ले ली है जो हम इसमें जॉइंट करेंगे, और उसके बाद हमने एक ही एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जो हम इसे जब हमारा ये जॉइंट हो जाएगा तो हम इसके पीछे जॉइंट करेंगे। तो एक कपड़ा हमारा ये हो गया, जितना हमें चाहिएगा हम उतना ले लेंगे, बाकी का कट कर लेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स, एक हमने ये पट्टी तैयार की है, ये 1 इंच की पट्टी है और इसकी लेंथ है, हमें रखनी है 4.5, तो इसकी लेंथ है 4.5, और 1 इंच की पट्टी है ये। तो ये हमने इस तरीके से किया है कि जैसे ये कपड़ा है, इसे हमने ऐसे फोल्ड किया और यहाँ सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद इसको हमने पाइपिंग की तरह निकाल लिया है। तो देखिए, हमारा पाइपिंग की तरह निकल गया है और ये इस तरीके से तैयार हो गया है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये पीस लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और फिर हमारा गोल गोल राउंड राउंड इसमें सिलाई लगा देंगे जहाँ पर हमारा ये जो है हमारी पेस्टिंग है, पेस्टिंग से नीचे नीचे सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम इस पीस को भी करेंगे फ्रेंड्स, इसको ऊपर ऐसे रखेंगे और इसमें भी राउंड राउंड सिलाई लगा देंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये पीस लेंगे और हम एक तरफ से इसको सिल लेंगे। तो सिलने के बाद हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे, तो एक तरफ से हम इसको सिल लेते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया। और फिर इसके बाद इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि एक तरफ से हम इसको सिल लेंगे, चाहे हम इधर से सिलें चाहे इधर से सिलें, पर एक तरफ से हम इसको सिल लेंगे। तो मैं ये सब कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है, देखिए इस तरीके से हमें सिलना है। तो ये भी हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इस पीस को लेंगे और जो हमने सिला है यहाँ से इसको हम पलट देंगे। तो ये हमारा पलट गया,
इस तरीके से हम पलट देंगे। ये पेस्टिंग वाला हिस्सा इधर रखेंगे सामने फ्रेंड्स की तरफ। अब हम पहले ये हो गया फ्रेंड्स, इसको भी हम ऐसे करेंगे, इस पीस को हम इस तरीके से रखेंगे। पहले मैं पिनअप कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पिनअप लगा लिया मैंने और देखिए इस तरीके से मैंने इसको ओपन कर लिया है, इसको भी इसी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हमारा ये हो गया तो अब हम इसके बीच में ये जिप ऐड करेंगे। हमें अब इस तरीके से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा यहाँ से किनारी ये बंद हो चुका है, तो यहाँ से हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सीधा डायरेक्ट रखेंगे मशीन पे इसको इस तरीके से, और यहाँ हम एक सिलाई लगा देंगे। फिर उसके बाद एक और सिलाई लगा देंगे फ्रेंड, ताकि अच्छी तरीके से ये जिप सेट हो जाए। सेम ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स, इसको भी हम इस जिप के ऊपर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे, और फिर थोड़ी सी एक पायदान की सिलाई और लगा देंगे। तो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया, देखिए इस तरीके से ओपन होगा। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा चैन है, इसको हम बाद में अभी हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये हो गई हमारी एक्स्ट्रा कट हो गई। और इधर से भी हम कट कर लेते हैं, तो हमारी ये भी कट हो गई। और ये देखिए पीछे से फ्रेंड्स, इसमें कोई धागा वगैरह कुछ नहीं निकला है, क्योंकि हमने पहले इसके किनारे जोड़ लिए हैं और जिप को भी हमने डबल सिलाई लगा के इसको अच्छी तरीके से जॉइंट कर दिया है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ये भी हमारे तैयार हो गए। और अब हमें इस पीस का इस्तेमाल करना है। तो पहले हम इस पीस को यहाँ जोड़ लेते हैं, डबल फोल्ड ले लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये पट्टी ये वाली सिल गई है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ से थोड़ा मार्जिन छोड़ के हम इसको नाप लेंगे। तो ये हमारा 14.5 इंच तो ये हो गया फ्रेंड्स, लेकिन इसके आगे जो हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, हमें इसको 1 इंच और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा 15.5 तैयार हो जाएगा। मैं निशान लगा लेती हूँ 15.5 पर। तो 15.5 ये हो गया, और जो हमारा मार्जिन थोड़ा सा हम छोड़ेंगे, ये हमारा अलग से मार्जिन हो गया। तो इसको हम बाद में कट करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम इसको फिर से एक बार नाप लेंगे। हम इसी को ही इसके पे चारों कोनों पे लाइन लगाएंगे। तो हम पहले इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पर चौक की मदद से लाइन लगाएंगे, और फिर इसके बाद फिर से इसको फोल्ड करेंगे, और फिर इसको यहाँ से और यहाँ से इसको लाइन लगाएंगे। तो देखिए मेरी मैंने इसको पे लाइन लगा चुकी हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो अब हम इसको पहले पूरा एक राउंड राउंड हम घुमा लेंगे, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा हम उसको बाद में कट करेंगे। तो पहले मैं एक पिन की मदद से इसको सेट करके देखती हूँ, फिर हमें उसी हिसाब से हमें कपड़ा चाहिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, मैंने पिनअप की जगह यहाँ थोड़ा कच्चा कर लिया है, जिससे कि मेरा पता रहे कि मुझे कितना चाहिएगा। आप चाहे तो इसको कच्चा कर सकते हैं, या फिर आप पिनअप की मदद से इसको कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको ले लिया, और हमारा यहाँ जितना मैंने नापा था उतना ही तैयार है फ्रेंड्स। तो हम पहले यहाँ इसको सिल देंगे, सिलने के बाद यहाँ से इसको पक्का कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम ये वाला पीस ऊपर से सिलेंगे और वो वाला भी सिलेंगे। तो मैं इसको पहले मैं इसको पक्का कर लेती हूँ फ्रेंड्स, इसको यहाँ से जॉइंट क्लियर कर लेती हूँ, और फिर इसको मैं यहाँ इसको हटा दूँगी, क्योंकि इसे हमें सिलाई से सिलना है। तो मैं पहले पक्का कर लेती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमने इसको सिल लिया है, और सिलने के बाद हम यहाँ से इसको पक्का कर लेते हैं। तो एक सिलाई हम और लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये हो गया, और यहाँ से मैंने इस पर लाइन लगा ली है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने इस पर ही चार कोनों पर ये निशान लगाया है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इस पे भी इसी तरीके से लगाएंगे। तो हम पहले इसको इस तरीके से कर लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमें पता रहे।
तो देखिए ये चारों पे लग गया। अब हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे, अब की बार फोल्ड हम दूसरी तरफ से करेंगे। आगे पीछे का दोनों तरफ का देख के देखिए मेरा चारों तरफ से हो गया। अब हमें ऊपर जो हमारी 1 इंच की जिप लगी हुई है, हमें ऊपर ये वाला लेना है फ्रेंड्स। तो हम ऊपर वाले पीस पे हम ये रखेंगे और नीचे वाले पे ये वाला रखेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो पहले हम नीचे वाला सिल लेते हैं और इन पे निशान लगा लेती हूँ फ्रेंड्स पहले मैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे निशान लग गए हैं। अब हम इसमें हल्का हल्का सा कट लगा लेंगे ताकि हमें सिलने में थोड़ी सी आसानी रहे, हल्का हल्का, ताकि हम जब इस कपड़े को घुमाएं तो हमारा कपड़ा आराम से घूम जाए और एक झोल पैदा ना करे। तो हल्का हल्का हमने, तो ये हमारे कट लग गए फ्रेंड्स। अब हम इसको ये निशान से निशान को मिलाएंगे। तो सबसे पहला निशान हमारा जो हमने भी निशान लगाए थे, ये देखिए ये हमारा निशान हो गया। तो सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं और ये दोनों निशान हमने यहाँ पिन अप कर लिया इस तरीके से। ऐसे ही हम ये दूसरा निशान ले लेंगे और इस पर भी हम पिन अप कर लेंगे। आप चाहे तो आप पहले इस पर कच्चा कर लीजिए, फिर आप मशीन चलाइएगा, और अगर आप मशीन चला सकते हैं तो आप डायरेक्ट ही सिल लीजिएगा। देखिए ये हो गया। अब मेरे ये चारों तरफ से मैंने पिन लगा ली है। तो अब मैं इसके यहाँ पूरे में इसकी सिलाई कर दूँगी, तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ये सिल गया है, मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी सी जिप खोल लेंगे क्योंकि बाद में जिप खोलने में थोड़ी मुश्किल होगी। और अब हम इसको जैसे निशान हमने लगाए थे ऐसे ही चारों तरफ ये निशान हम जॉइंट कर लेंगे और इसको भी इसी तरीके से सेट कर लेंगे और हम चारों तरफ इसके सिलाई लगा देंगे। तो पहले मैं इसको सिल लेती हूँ चारों तरफ से, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स मैंने वैसे सिल लिया है पर मैंने थोड़ा सा यहाँ से छोड़ दिया है हमारी इस जगह से। तो यहाँ हम अपनी पहले ये जो हमने पट्टी बनाई थी उस पट्टी को फोल्ड करेंगे और इसको अंदर करेंगे, अंदर रख के यहाँ बीचों बीच रखेंगे और बीचों बीच रख के यहाँ हम इसको सिल देंगे। तो मैं पहले पिनअप कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये हमने इसको यहाँ लगा दिया इस पट्टी को। अब हम यहाँ से सिल लेते हैं, तो मैं सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ से सिल लिया है इसको। अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। तो ये मैंने अपने कुछ पुराने कपड़ों से पाइपिंग बनाई हुई है, तो हम इस पर पाइपिंग लगाना सबको आता है फ्रेंड्स। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बाहर की तरफ लगाएंगे, ऐसे करके हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो हमने बड़ी बड़ी पाइपिंग ले ली, इस तरीके से कर लेंगे और फिर इसको हम यहाँ से पलट कर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो मैं पहले सिलाई लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी पट्टी सिल गई है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको ऊपर की तरफ कर लेंगे। तो ये हो गया। तो अब हम इसमें हल्के हल्के से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसे हम फोल्ड करके, इस तरीके से फोल्ड करके हम इसको सिल लेंगे। तो मैं ये सारा सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी पाइपिंग लग गई है। ऐसे ही हमने ये पीछे पाइपिंग लगा ली है, तो दोनों तरफ हमारी पाइपिंग लग गई है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये ओपन कर लिया है और देखिए इसमें काफ़ी स्पेस है। तो देखिए हम कितना सारा सामान इसमें रख सकते हैं। तो मैंने कुछ नेल पेंट ले लिए, ये कुछ हमने लिपस्टिक ले ली, ये पाउच ले लिया। तो देखिए हमारा कितना सारा सामान इसमें आ गया है। अब मैं इसको
बंद कर लेती हूँ। तो मैं आपको ये बंद करके दिखा रही हूँ। तो देखिए पूरा अच्छे तरीके से इतना सारा सामान इसमें आ गया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से भी और नीचे से हमारा इस तरीके से आएगा और देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। डिजाइनर पाउच हमारा तैयार हो गया है तो इसे हम सफ़र में भी ले जा सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक और पाउच बनाया है, ये देखिए। तो देखिए ये पाउच भी कितना सुंदर बन रहा है फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास मैच का कपड़ा नहीं, अगर आप एक ही तरीके का कपड़ा यूज करना चाहते हैं तो एक तरीके का कपड़ा यूज कर लीजिए, और अगर आप इस तरीके से मैचिंग का यूज करना चाहती हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। तो देखिए दोनों पाउच मेरे कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।